दवा के पत्ते पर कभी न कभी तो आपने ये खाली स्पेस देखा ही होगा, जैसे कि आपको इस वीडियो में देखने को मिल रहा है। इसने आपके दिमाग में जरूर कोई न कोई सवाल भी छोड़ा होगा। जी हाँ, आप सही सोच रहे हैं कि आखिर दवाई के पत्तों पर खाली जगह किस खुशी में छोड़ी जाती है। बड़ा सवाल ये है कि इस खाली स्पेस पर दवाई नहीं होती, लेकिन फिर भी इसे बनाया जाता है, आखिर क्यों? दरअसल इसके पीछे कई कारण है। कई बार तो ऐसा होता है कि टेबलेट के पूरे पत्ते में सिर्फ एक ही गोली होती है। ऐसे में पत्ते के पीछे प्रिंट की जाने वाली जानकारी, तारीख, इसके कंपाउंड, एक्सपायरी डेट आदि को छापने के लिए जगह की जरूरत होती है। इसके लिए खाली स्पेस बनाया जाता है। ये खाली स्पेस टेबलेट के साथ जुड़े होते हैं, क्योंकि इसकी मदद से दवाई आपस में नहीं मिलती और केमिकल रिएक्शन होने का खतरा भी नहीं होता। अगर दवाइयों में केमिकल रिएक्शन हो जाता है तो दवाई बेकार हो जाता है। फिर आप उस पत्ते से कितनी भी दवाई खाएं, कोई असर नहीं होगा। इसके अलावा दवाइयों को नुकसान से बचाने के लिए और आप सही डोज ले सके, इसलिए यह स्पेस क्रिएट किया जाता है। अगर आपके डॉक्टर ने आपको हफ्ते में एक ही गोली खाने को बोला है और पत्ते में एक ही टेबलेट होता है, तो आपको दवाई के अलग अलग पत्तों को खरीदना होगा। इससे आपके डोज सही रहेंगे, क्योंकि दवाई और पत्तियों की गिनती आसान रहेगी। कुछ चीजों को हम रोज देखने पर भी नजरअंदाज कर देते हैं, लेकिन इसके पीछे बहुत ही रोचक बातें छिपी रहती हैं। आज लगभग हर इंसान को किसी न किसी परेशानी के लिए दवाई खाना पड़ता है, पर बहुत ही कम लोगों ने ही ये सोचा होगा कि इन दवाइयों के पत्ते पर स्पेस क्यों होता है। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आप सबको समझ में आ गया होगा कि दवाई के पत्ते पर क्यों छोड़ा जाता है ये खाली स्पेस। दोस्तों, अगर आप इस चैनल को अभी तक नहीं सब्सक्राइब किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बगल में जो नोटिफिकेशन बेल है उसे भी ऑन कर दीजिएगा। वीडियो पे लाइक कीजिएगा और कमेंट्स में अपनी राय जरूर देके वीडियो कैसा लगा वीडियो को शेयर कीजिएगा।